ट्यूबलाइट कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये आज का वीडियो है, संडे का वीडियो है, संडे नाइट का वीडियो है, और ये वीडियो है आपका क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ। काफ़ी सारे जो हमारा सब्सक्राइबर्स है, हमारा व्यूअर्स है, हमें काफ़ी सारे ईमेल्स करते हैं और काफ़ी सारे जो कमेंट्स करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में। सो कुछ क्वेश्चन आया है, मैं उनका नाम बताऊंगा और उनका आंसर भी करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अदनान बसेव है, मिस्टर अदनान बसेव लिखे हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। देखिए कि अगर आपको हमें कुछ हमारा हमारा कंपनी से मेरे से कुछ असिस्टेंट चाहिए, मैं आपको 100% असिस्ट करूंगा, हेल्प करूंगा। तो फिलहाल मैं आउट ऑफ इंडिया में हूँ, मैं फिलहाल मैं डेनमार्क में हूँ। तो आप मुझे ईमेल, हमारा जो नीचे ईमेल आईडी है, हमारा जो कंपनी का ईमेल आईडी है और मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, तो हमें ईमेल करिए, आपका डिटेल्स लिखिए कि आपको क्या असिस्टेंट चाहिए, तो मैं आपको जवाब दूंगा। पहले हमारा कंपनी का ईमेल आईडी है, उसमें लिखिए। अगर कंपनी से कुछ भी जवाब नहीं आता तो मेरा जो पर्सनल ईमेल आईडी है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप मुझे ईमेल करिए और आपका क्वेश्चन मेरे को डिटेल्स में लिखिए कि किस टाइप का असिस्टेंट चाहिए बिजनेस रिलेटेड, तो मैं आपको ईमेल में रिप्लाई करूँगा और डिटेल्स में बताऊँगा कि क्या असिस्टेंट में या मेरा कंपनी आपको कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, मिस्टर सौरभ मुंगसे इंडिया से लिखे हुए हैं कि ड्राई फ्रूट्स के बारे में, कैश्यू नट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस मिस्टर सौरभ। तो ड्राई फ्रूट्स और कैश्यू नट्स का जो है मिडिल ईस्ट में काफ़ी डिमांड है, तो मैं आगे आने वाले 10-15 दिन में उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल्स हमारा वीडियो देखते रहिए। तो आगे आने वाले कुछ दिनों में ड्राई फ्रूट्स और कैश्यू नट्स का वीडियो बनाएंगे मिडिल ईस्ट में और कहाँ कहाँ वर्ल्ड में कौन से कंट्री में इसका डिमांड है, मैं आपको बताऊंगा। और कितने सारे जो बायर्स है उनका भी वेबसाइट में कुछ दूंगा, तो आपको इजीली आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मिस्टर केयूर जोशी लिखे हुए हैं इंडिया से कि उनको कैश्यू नट सेलर्स का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। देखिए कैश्यू नट्स जो है, कैश्यू नट्स जो है इंडिया से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं पहले मेरा जो मैं आपको आंसर बताया, मेरा रिप्लाई बताया, आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो बनाएंगे कैश्यू नट्स और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स का इम्पोर्टर्स के बारे में और वर्ल्ड में कौन से कंट्री में डिमांड है, और मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा जितने सारे बायर्स है कैश्यू नट्स और ड्राई फ्रूट्स का मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड में कोई भी कंट्री का, मैं उनका वेबसाइट भी दिखा दूंगा। फिर आप उनका वेबसाइट के जरिए, उनका वेबसाइट्स में जाके उनको ईमेल के जरिए उनको कॉन्टैक्ट करके आपको उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल कैश्यू नट्स का डाटाबेस नहीं है, इम्पोर्टर्स का डाटाबेस नहीं है। तो आप हमारा जितने खाली वेबसाइट के, कंपनी का वेबसाइट से जो कंपनीज कैश्यू नट्स और ड्राई फ्रूट्स इम्पोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, उनका वेबसाइट से, तो मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखा दूंगा। तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए, आने वाले वीडियो में आप देख पाएंगे कैश्यू नट्स और ड्राई फ्रूट्स का कितने सारे इम्पोर्टर्स है, बायर्स है वर्ल्ड वाइड, तो उनका वेबसाइट्स पे जाके आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिस्टर उपेश कुमार फ्रॉम इंडिया लिखे हुए हैं ग्रेट वीडियो और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगे हुए हैं। तो देखिए मिस्टर उपेश कुमार, थैंक यू फॉर आस्किंग मी, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। देखिए मिस्टर उपेश कुमार, फिलहाल मैं आउट ऑफ इंडिया में हूँ, फिलहाल मैं डेनमार्क में हूँ, तो आप मुझे मेरे पर्सनल ईमेल आईडी है नीचे दिखा रहा हूँ, उसमें आपका क्वेश्चन पूछिए, और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं मेरा मोबाइल नंबर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप मुझे थ्रू व्हाट्सअप नंबर या मेरे मोबाइल के जरिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मुझे ईमेल आईडी में दिया हुआ हूँ, तो आप मुझे ईमेल में लिखिए तो मैं आपको जवाब दूंगा। सो मिस्टर अशु शुक्ला फ्रॉम इंडिया, सेम क्वेश्चन है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो मिस्टर अशु शुक्ला, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप मुझे ईमेल करिए, ईमेल नीचे मैं लिखा हुआ हूँ, दिया हुआ हूँ, तो ईमेल के जरिए मेरी कॉन्टैक्ट करिए और आपका क्वेश्चन क्या है मेरे मुझे लिखिए, तो मैं आपको ईमेल के जरिए जवाब दूंगा, या मैं आपको मेरा नंबर दूंगा, मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा डेनमार्क का,
तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपका क्वेश्चन जो है ईमेल के जरिए मुझे भेजिए। सो ग्लोबल बिजनेस फ्रॉम इंडिया, मैं भी फ्रॉम इंडिया से है ग्लोबल बिजनेस। तो लिखे हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर एक्सेसरीज के बारे में उनको जानना है, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो ग्लोबल बिजनेस, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। तो आगे आने वाले वीडियो में हम बनाएंगे कंप्यूटर और मोबाइल एक्सेसरीज में वर्ल्ड में कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है और कहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कहाँ पर आपका ट्रेडिंग कंपनी खोल सकते हैं, उसके ऊपर हम सर्च और रिसर्च करके हम वीडियो बनाएंगे। तो आप आने वाले दिनों में हमारा वीडियो देखते रहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। तो और एक हमारा सब्सक्राइबर फ्रॉम जयपुर, उनका नाम मैं मिट डिलीट हो गया, जयपुर से एक सब्सक्राइबर लिखे हैं, रुवांडा में उनको बिजनेस करना है। तो रुवांडा में बिजनेस के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, देखिए रुवांडा में आपको पहले बना चुका हूँ वीडियो हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन रुवांडा, मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए। तो रुवांडा में अगर बिजनेस करना चाहते हो, मैंने एक्सप्लेन पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया कि रुवांडा का जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, रुवांडा का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जाइए। डायरेक्ट जाने के बाद मैं आपको दोनों जो रुवांडा का इन्वेस्टमेंट बोर्ड और रुवांडा का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनका जो वेबसाइट है नीचे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो आप इन्हीं कंपनी को जाइए रुवांडा में जाने के बाद आप इन्हीं कंपनी को डायरेक्ट जाइए, गवर्नमेंट का ऑफिस है। फिर वहाँ का बाहर बहुत सारे आपको एजेंसी मिलेंगे, बहुत सारे आपको जो टाइपिंग सेंटर टाइप का मिलेंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन क्लियरेंस करते हैं उनके पास जाइए कि आप बताइए कि मेरे को रुवांडा में इन्वेस्टमेंट करना है, रुवांडा में कंपनी खोलना है, तो आपको मदद करेंगे कंपनी खोलने के लिए। रुवांडा का जो गवर्नमेंट का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन फी है, लाइसेंस का फी कुछ भी नहीं है, जीरो है, लेकिन आपको $100 के अंदर खर्चा आएगा, क्योंकि आपको देना पड़ेगा जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे टाइपिंग करेंगे उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, और $10-15 $1,500 खर्चा होगा रजिस्टर ऑफिस में, उतना ही खर्चा है, $7,000-8,000 में आपका कंपनी बन जाएगा। एक्चुअली अगर आप खुद जाके करोगे तो फ्री है, लेकिन आपका लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा और आपको रजिस्टर जो रजिस्टर के पास जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो पावर ऑफ सॉरी आपका जो एग्रीमेंट वगैरह गवर्नमेंट का जो फॉर्म वगैरह फिलअप करके टाइपिंग करके लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइपिंग सेंटर डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस सेंटर के पास जाना पड़ेगा, वो पूरी डॉक्यूमेंट आपको बनाएंगे, आपका पासपोर्ट को ट्रांसलेट करेंगे रुवांडा में, रुवांडन लैंग्वेज में और फ्रेंच लैंग्वेज में, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए बनाएंगे। तो इसके लिए आपको 5,000-6,000-7,000-8,000 खर्चा आएगा, आप खुद जाके कर सकते हैं। अगर आपको हमारा मदद चाहिए, हमारा कंपनी का मदद चाहिए, फॉरेन कंपनी में कोई भी फॉरेन कंपनी में अगर आपका आपको हमारा मदद चाहिए, तो हमारा फीस रहता है $1,500, और हमारा जो एसोसिएट लॉ फर्म से वो भी आपको $500 तक चार्ज करेंगे, तो $2,000 तक खर्चा आ जाएगा अगर हमारा असिस्टेंस आप लोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ जाके कोई भी कंट्री में आपके साथ आके आपको हेल्प करूँ, मदद करूँ, मैं आ सकता हूँ, तो इसके लिए आपको मैं कोई भी कंट्री में अवेलेबल हूँ, तो मेरा जो एयर टिकट का खर्चा देना पड़ेगा और हमारा जो फीस देना पड़ेगा, तो मैं वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में हूँ, कोई भी कंट्री जाना है, तो मैं आके आपको हमारा एसोसिएट लॉयर के साथ मिलके आपको कंपनी सेटअप करके दूंगा, आपका बिजनेस सेटअप करके दूंगा, आपका फैक्ट्रीज वगैरह जितने सारे रिक्वायरमेंट है मैं आपको सेटअप करके दूंगा, ठीक है। और रुवांडा जाने के लिए आप रुवांडा का जो कोई भी एयरलाइंस, इथियोपियन एयरलाइंस, केनियन एयरलाइंस है और एमिरेट्स जाती है, तो आप इंडिया टू रिटर्न टिकट ले लीजिए रुवांडा तक, किगाली उनका राजधानी है, फिर आप रुवांडा में पहुंच के आपके पास होना चाहिए कम से कम $1,000-$2,000 रहना चाहिए। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो तो आप कैश पैसा लेके जा सकते हो, $10,000 तक लेके हाथ में जा सकते हो, रिटर्न टिकट ले लीजिए, रिटर्न टिकट ले लीजिए, होटल बुकिंग कर लीजिए। फिर आप जब रुवांडा में पहुंचोगे किगाली एयरपोर्ट में, $50 आपको चार्ज करेंगे इमिग्रेशन, आपको 1 मंथ का वीजा दे देंगे, 1 मंथ के अंदर आपका कंपनी सब कुछ बन जाएगा, लेकिन जाने से पहले आपका पासपोर्ट ऑफिस या आपका खुद लोकल पुलिस स्टेशन से आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हाथ में लेके जाइए, क्योंकि जब आपका कंपनी बनेगा रुवांडा में, रुवांडा या कोई भी अफ्रीकन कंट्री में आपका खुद का कंपनी बन जाता है, फिर आपको रेसिडेंसी वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो आपको लगेगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट फोटोज लगेगा। तो फिर अगर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, फिर आपको इंडिया आके अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आप जाने से पहले अफ्रीका कोई भी कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए
आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाइए, फिर इमीडिएटली कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ऑफिस दुकान लेने के बाद आपका रेजिडेंसी वीजा अप्लाई करके आप वहीं रुक के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो डिटेल्स आपको मैंने बता दिया कि आज का जो क्वेश्चन आंसर में क्या क्या क्वेश्चन आपने पूछे थे, मैं आपको डिटेल्स बता दिया। और अगर आपको और कुछ जानकारी है आप कमेंट में लिखिए, ईमेल में लिखिए या कमेंट में लिखिए, तो मैं नेक्स्ट संडे को शाम को 9 बजे का जो हमारा वीडियो आती है तो उस वीडियो में मैं आपका जितने सारे क्वेश्चन है मैं आपका आंसर कर दूंगा। तो डिटेल्स मैं आपको बता दिया, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मैं आने वाले कितने सारे हमारा यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज का पूरे वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज इन एशिया एंड यूरोप। अभी हमारा अफ्रीका का सीरीज चल रहा है, अफ्रीका कंट्रीज का, तो आने वाले दिनों में हम लीबिया, नाइजर, बहुत सारे कंट्री का वीडियो आ रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि ये मंथ में मई में हम अफ्रीका का पूरा कंट्रीज का खत्म कर देंगे। तो हमारा अगर आप एक एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप कंपनी हो, तो आप हमारा वीडियो को देखते रहिए। हमारा वीडियो में मैं एक्सपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, आप कैसे इंडिया टू डिफरेंट कंट्री पे एक्सपोर्ट कर पाओगे, या आप डिफरेंट कंट्री में आउट ऑफ इंडिया या इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में आप जहाँ से हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आउट ऑफ इंडिया कोई भी कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैं आपको फ्री में एडवाइस दूंगा कि कौन से कंट्री में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लाइसेंसिंग फी कितना है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो आप हमारा वीडियो को देखते रहिए, मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियो बनाते रहूँगा, आगे भी आने वाले दिनों में काफ़ी सारे वीडियो बनाते रहूँगा। और जैसे ही एक कोविड का प्रॉब्लम खत्म होता है तो मैं मेरा ट्रैवल स्टार्ट करूँगा, तो फिर मैं एक एक कंट्री ट्रैवल करूँगा और उस कंट्री में पहुँच के मैं वीडियो बनाऊँगा फिर से, और उस कंट्री में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको पूरी वीडियो में जानकारी दूंगा। फिलहाल तो कोविड के वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए तो जैसे ही आपका सपोर्ट का साथ है, आपका प्यार का साथ है, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले दिनों में 3-4 महीने के बाद अगर कोविड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो मैं अफ्रीका ट्रैवल करूंगा, अफ्रीका एक एक कंट्री में मैं ट्रैवल करूंगा, एक एक कंट्री में पहुंच के मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा उस कंट्री का क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या लाइसेंस का प्रोसेस बताऊंगा। फिर मैं उसी कंट्री में प्रेजेंट रहूंगा और उसी टाइम अगर आप उस कंट्री में आना चाहोगे फिर उस कंट्री में आके आप कंपनी रजिस्टर करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आप मेरा साथ दीजिए, मेरा चैनल का साथ दीजिए, मेरा चैनल को आप सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले दिनों में मैं काफ़ी मोर वीडियोज में बना सकूँ और मैं आपको हेल्प कर सकूँ, आपको असिस्ट कर सकूँ। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, कोविड का समय है, हर जगह में इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम हो चुका है, तो आप आपका ध्यान रखिए, आपका परिवार का ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए और हेल्थ केयर के हिसाब से आप क्लीन रहिए और मास्क लगाइए, ठीक है। आप आपका ख्याल रखिए और आपका परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आगे का आने वाले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।